हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप की दो कंपनियों के बारे में। एक छोटी कंपनी है अदानी पावर और दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। अदानी पावर के शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है और अदानी एंटरप्राइज लगातार पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गिरावट के बाद 1500 रुपये का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइज दोनों में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और किस लेवल पर, कौन से लेवल पर यहाँ पर खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम अदानी पावर के साथ, और अदानी पावर 116 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में अदानी पावर के शेयर में 16% का ग्रोथ है। देखिए, एक बड़ी रफ्तार आई थी, 90 से सीधा 155 रुपए तक शेयर उछल गया था, बाद में टूटकर वापस गिरा 114 पर, वापस तेजी दिखाई, वापस टूटने की कोशिश कर रहा है। तो जो दिक्कत है ना वो यही है भैया, जब तेजी बनी थी तो भाई साहब अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रही थी, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, और जब लोअर सर्किट लगना शुरू हुई तो लोग बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैदा हुई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 217% का ग्रोथ इसने दे दिया है। देखिए, 34 से 35 रुपए के आसपास लंबा वक्त इसने बिताया, एक बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर वापस लंबा वक्त बिताया, एक बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इसने, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाई और वहां से टूट रहा है। अब लंबे समय तक हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करता रहे 110 120 रुपए के आसपास, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक बड़ा बाउंस भी दिखा दे या फिर एक बड़ी गिरावट भी दिखा दे, दोनों के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किस प्राइस पे खरीदारी करनी है, कब से बाइंग करनी है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है, और अगर मैं BSE में देखूँ तो 13 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है, NSE में देखा जाए तो 45 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, वॉल्यूम ट्रेड्स काफी कम हो चुके हैं यहाँ पर। पहले क्या था भैया कि अदानी पावर में 1 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड आपको हर रोज देखने को मिलते थे, लेकिन अब वॉल्यूम ट्रेड्स कम हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है, 11.49% की एक्चुअली प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 46 भी नहीं, तकरीबन 75% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और FIs के पास 11.49% की होल्डिंग है। देखिए, और यही में सारा गेम चल रहा था, जो चीजें बाहर आई थी कि प्रमोटर 75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, FIs इनकी सारी होल्डिंग खरीद ली, मतलब बहुत सारे, और FIs तो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, ना ही प्रमोटर बेच रहे हैं, तो मार्केट में जो है ना शेयर्स कम है यहाँ पर। तो रीजन यही था कि जब डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल चल रहा था यहाँ पर, कि भैया जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, और यही चीज यहाँ पर देखने को मिली, लोग खरीदारी करना चाहते थे और डेफिनेटली शेयर में आपको इसलिए रफ्तार भी देखने को मिल रही थी। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की भैया बड़ी होल्डिंग है ही नहीं, इंश्योरेंस में तो भैया घुस ही नहीं है, सिर्फ दो म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, वो भी इतना नहीं है कि 0.01% की भी होल्डिंग यहाँ पर बन पाए उनकी, और डिविडेंड तो भैया भूल ही जाओ, यहाँ पर कुछ मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, और भाई साहब न्यूट्रल होनी भी चाहिए, देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव वो तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो पर्सपेक्टिव है भैया वो काफी धुंधला है। तेजी गिरावट के खेल में लोगों को लोग यहाँ पर फंसने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात, 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। और तो और देखिए, रेवेन्यू में उछाल जरूर आया, ठीक है, लेकिन 2020 और 21 में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया कि शेयर प्राइस सीधा आपको 2 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। देखिए, 26,000 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में भी था, 2021 में भी उसी के आसपास था, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो प्रॉफिट्स में हुए हैं। पिछले 4 सालों से कंपनी नुकसान में थी, इस बार सीधा 1,300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दिखा दिया है, और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था जिसको हम भूल नहीं सकते, डेफिनेटली हम उसको याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन प्रमोटर की जो एक बड़ी नेगेटिव चीज है वो ये भी है कि प्रमोटर के पास चलो बहुत सारी होल्डिंग है ही, लेकिन भैया अभी भी प्रमोटर की 29% की होल्डिंग गिर हुई है, तकरीबन 30% की होल्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रमोटर के 30% के शेयर्स गिर हुई है, जो एक पॉजिटिव चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन सा लेवल सही है, क्या मैनेजमेंट का कहना है, उसके बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की। 1500 रुपए का शेयर ये भी है, एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 18% का ग्रोथ इसने भी दिखाया है, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 1700 के करीब पहुंचा, उसके बाद टूटना शुरू हुआ, और जैसे ही खबर आई वो भैया सीधा
दलाल की जो ट्वीट आई इस एक झटके में टूट गया शेयर, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर रहा है। अब और अभी पिछले कुछ दिनों से 1500 का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में इस कंपनी में भाई साहब देखिए कितना पैसा बना है लोगों को, कितना 840% का ग्रोथ। ठीक है, मतलब अगर आपने एक साल पहले यहां पर 1 लाख रुपए लगाए होते, 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते तो उस 1 लाख रुपए आज आपके 8 से 9 लाख रुपए बन गए होते। इतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर आया है और जब भी टूटा है ज्यादा ग्रोथ है। तो इसीलिए देखो सस्पिशियस यहाँ पर, इसीलिए लोगों को यहाँ पर लगा। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है और FIIs के पास ज्यादा होल्डिंग है। अदानी एंटरप्राइज की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग अदानी एंटरप्राइज की है और 20% की होल्डिंग FIIs लेकर बैठे हैं। मतलब बाकी 5% की होल्डिंग बाकी लोगों के पास है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और इसीलिए जो खेल था वो इसी के अंदर था कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग 75% की लेकर बैठ रहे हैं, वो बेच नहीं रहे हैं। FIIs के पास 20 साढ़े 20% की होल्डिंग है, वो बेच नहीं रहे हैं। मतलब बचे 5% की होल्डिंग, जिसमें से म्यूचुअल फंड के पास 0.73% की होल्डिंग है, 0.02% होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो देखिए बड़े फंड हाउसेस के पास यहाँ पर देखा जाए तो कोई बड़ी होल्डिंग देखने को मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, और ये इस गेम का सबसे बड़ा पहलू था। और देखिए इतना बड़ा 1500 रुपए का शेयर आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है, ज्यादा डिविडेंड भी पे नहीं करते ये लोग। 100% का डिविडेंड, वो भी 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, 1500 1700 का शेयर 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए और बनते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल पिछले एक साल में नहीं आया। देखिए 43,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था, क्योंकि वो तो कम हुआ है, 40 करोड़ से भी कम चला गया है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट तो डिक्लाइनिंग मोड में है, 800 करोड़ का प्रॉफिट 750 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो भैया कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है और ना ही कोई इतनी बड़ी इनकी इनकम बढ़ी है कि शेयर सीधा 8 गुना 9 गुना तक बढ़ जाए। ऊपर से हाँ एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि प्रमोटर की 75% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन पहले 50% की होल्डिंग इनकी गिरवी थी, अब सिर्फ 6.5% की होल्डिंग गिरवी है। तो मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे अपने गिरवी रखे हुए शेयर से उसको छुड़ाया है। अदानी के बारे में देखिए तो भैया क्यों क्यों इसकी रैली जो है वो सरप्राइज कर रही है सबको, क्यों सरप्राइज कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी पावर की बात। ठीक है, तो अदानी पावर हम सब जानते थे कि भैया डीलिस्ट होने वाला था ये, तो भी 33 रुपए का प्राइस दिया था कि भैया 33 रुपए पर हम इसको डीलिस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये पिछले साल की ही बात है, पिछले साल की ही बात है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो भाई साहब 300% शेयर उछल गया, यहाँ पर 166 रुपीज तक चला गया था ये। ठीक है, तो बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, बहुत बड़ी रफ्तार। और अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो 10 गुना ज्यादा पैसा बनाकर दे चुकी है आपको। ठीक है, और मार्केट वैल्यू भी उनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि एक्चुअल में इनके प्रॉफिट से कंपेयर करें और इनके जो बाकी कंपटीटर्स है उससे कंपेयर करेंगे तो भैया मार्केट वैल्यू इनकी ज्यादा है, जबकि प्रॉफिट्स बाकी कंपनियां ज्यादा कमा रही है इनसे। तो ये एक जो अनयूजुअल वाला जो थिंग है वो कहीं ना कहीं लोगों के नजर में अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और उसी को लेकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत यहाँ पर जरूर पैदा हुई है। जैसे कि आप देखिए एक बड़ा सरप्राइज अदानी गैस को लेकर अगर हम देखें तो अदानी गैस का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, वो 1.41 लाख करोड़ है, वो है 18 जून 2021 तक का जो इनका वैल्यूएशन निकल कर है वो है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में 2021 में सिर्फ 471 करोड़ का ही मुनाफा कमाया है। ठीक है, आप समझ रहे हो, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 471 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। जबकि इनके कंपटीटर्स की हम बात करें जैसे कि गुजरात गैस है, ठीक है, इनका मार्केट कैप सिर्फ 37,000 करोड़ के आसपास का है और उनका प्रॉफिट 1,275 करोड़ है। तो आप देखिए अदानी गैस से इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, और मार्केट कैप अगर अदानी गैस से कंपेयर करेंगे तो भाई साहब 5 गुना कम है, 5 6 गुना कम इनका मार्केट कैप है। बिल्कुल उसी तरीके से इंद्रप्रस्थ गैस की अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 37,000 करोड़ है और प्रॉफिट होता है 1,250 करोड़ का। तो आप समझ रहे हो ये चीज यहाँ पर है। और इसका जो सीधा सीधा जो क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो वो मैंने आपको बताया कि भैया FIIs बड़ी क्वांटिटी में है और प्रमोटर की बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर है। और यही एक वजह है कि डिमांड और सप्लाई का यहाँ पूरा का पूरा गेम चल रहा है।
और इसी की वजह से शेयर्स में आपको इतनी बड़ी तेजी भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अदानी पावर की मैं बात करूं तो देखिए अदानी पावर डेफिनेटली मैं इसको खरीदना पसंद करूंगा, लेकिन इस प्राइस पे नहीं, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुझे पावर सेक्टर में किसी कंपनी को चुनना है तो सबसे पहले मैं टाटा पावर को चूज करूंगा, उसके बाद मैं अदानी पावर को चूज करूंगा, लेकिन 100 रुपए से महंगा इसको नहीं खरीदूंगा। अब जब इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है तो ऐसा नहीं होगा कि भैया 100 रुपए तक टूट के जाएगा, लेकिन हाँ 110 के करीब अगर ये जाता है तो वहां से मैं खरीदारी करने की शुरुआत कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे 1,000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर में 110 रुपए के लेवल पर खरीदूंगा। बाद में अगर ये 100 रुपए तक जाएगा तो और 300 की क्वांटिटी ऐड करूंगा, और अगर उससे 5-6 रुपए और नीचे जाएगा तो बाकी के शेयर में खरीदना पसंद करूंगा उस लेवल पर। उसी तरीके से अदानी एंटरप्राइज मुझे 1,500 रुपए पर, ये भी मुझे महंगा लग रहा है क्योंकि यार बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है, उतना तो परफॉर्मेंस इनका देखने को नहीं मिला। हालांकि जो फ्यूचर इनका जो प्रोग्रेसिस है उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है शायद, लेकिन फिर भी अगर मुझे अदानी एंटरप्राइज खरीदना हो तो मैं भैया 1,100-1,200 का जो लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है बाइंग के लिए, और उसी के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं वहां पर खरीदने की कोशिश करूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप भूल जाओ वहां तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, तो ठीक है भाई साहब नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है। मार्केट में इकलौता अदानी ग्रुप नहीं है कि हम इसमें को अगर नहीं खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अदानी एंटरप्राइज के ऊपर मैंने आप मेरी जो बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब शायद 150 पे था, 200 पे था, 300 पे था, 400 पे था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। जब 1,500 क्रॉस कर गया तब मैंने कहा कि भैया छोड़ो अब इसको, अब ये बहुत ऊपर निकल चुका है, अब हम इसमें पड़ेंगे ही नहीं। अदानी पावर का भी अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये शेयर मेरी तब की बाइंग की रिकमेंडेशन में था जब ये शेयर 40 पे था, 50 पे था, 60 पे था, 70 पे था, 80 पे था, लेकिन जब ये 100 क्रॉस कर गया तब मैंने कहा कि अब छोड़ो इसको, इससे बेहतर शेयर और मार्केट में है। अदानी गैस भी अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब शेयर 150, 200, 300, 400, 500, 600 तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, इवन 1,300 रुपए तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जब तक वो क्रॉस कर गया मैंने कहा अब इसको छोड़ो, अब और भी बाकी शेयर है हम वहां पे फोकस करेंगे। तो मैं भी यहाँ पर कहूंगा देखो अपने प्राइस पे खरीदो, ठीक है। शेयर ऐसा नहीं है कि भैया मुझे खरीदना ही है, अगर ये नहीं खरीदूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट में कई सारे शेयर है जो अभी भी नहीं दौड़े हैं और वो और भी ज्यादा दौड़ सकते हैं फ्यूचर में, ये बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं, अब इससे ज्यादा इनका जो ऑयल है वो थोड़ा सा खत्म हो चुका है, अब ये थोड़ी सी नीचे की गिरावट में दोबारा बाइंग के मौके मिलेंगे तब दोबारा दौड़ने की शुरुआत होगी इनकी। तो यही कहूंगा अपने प्राइस पे खरीदो, ये मत सोचो कि यार मेरे हाथ से कोई मौका छूट जाएगा, अब छूट भी गया ठीक है तो क्या गलत हो गया, दूसरे भी तो शेयर है मार्केट में, तो उस चीज वाली मेंटेलिटी रखो अपने प्राइस पे खरीदूंगा, नहीं तो इसको नहीं खरीदूंगा, तो वो चीज होनी चाहिए। मार्केट में नुकसान आपका कभी भी नहीं होगा और मार्केट से आप अच्छा पैसा भी निकाल लोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर जाकर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।